आई नो दैट मेनी पीपल आर गोइंग टू हेट मी फॉर दिस. इसे लगाया देन आई हैड टू वॉश माई फेस बिकॉज आई जस्ट कांट ब्रीथ. विंटर इज अप्रोचिंग और विंटर में क्या होता है ना कि स्किन केयर, हेयर केयर, सब कुछ केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज विंटर में हमारी स्किन, हमारे हेयर, सब कुछ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है. एंड इनफैक्ट स्पेशली मी मीन्स आई एम हैविंग वेरी ड्राई स्किन. तो अभी तो क्या है ना कि विंटर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टू टेक केयर ऑफ इट. सो फॉर डैट मैंने बहुत सारे विंटर एसेंशियल प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं फ्रॉम अमेजोन. सो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी वो शेयर किया जाए बिकॉज विंटर सिर्फ मेरे लिए तो नहीं आ रहा है, लाइक अभी तो ठंड होने वाली है तो हम सभी के स्किन को काफी ज्यादा नरिशमेंट की जरूरत होने वाली है. सो लेट्स बिगिन विद दिस हॉल. ये मिनी हॉल काइंड ऑफ बोल सकते हैं इसे. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. फॉर द फर्स्ट प्रोडक्ट हियर आई एम हैविंग फेस ऑयल फ्रॉम प्लम. दिस इज एनरिच्ड विद ग्रेप सीड और मुझे प्लम एज अ ब्रांड काफी ज्यादा पसंद है. सो ये कुछ इस टाइप के बॉटल में आता है, ये ग्लास बॉटल है. एंड दिस इज फेस ऑयल. मीन्स लुक, आई पर्सनली रियली लाइक फेस ऑयल्स. मीन्स बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता है बट मुझे सूट करता है. इनफैक्ट आई जस्ट लव फेस ऑयल्स. सो इसलिए मैंने ले लिया. और सिर्फ फेस ऑयल भी नहीं, मैंने प्लम का लिया है नियासिनामाइड सीरम बिकॉज वी ऑल नो दैट नियासिनामाइड इज वेरी नॉट इन बट इज गेटिंग वेरी पॉपुलर. एंड मैंने ट्राई किया, इट वर्क गुड फॉर मी. सो मैंने ये भी मंगवाया है. लुक एट दिस, द पैकेजिंग इज रियली वेरी नाइस. लाइक इसके पहले मैंने एक ब्रांड का ऑर्डर किया था विच आई विल नॉट से, बट उसका जो नियासिनामाइड सीरम था ना वो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं किया था. सो आई रियली होप कि दिस टाइम ये वाला सूट करे. सो फॉर द नेक्स्ट थिंग इज समथिंग विच इज नॉट फेस प्रोडक्ट बट बॉडी प्रोडक्ट बिकॉज यू ऑल विल एग्री कि विंटर में फेस तो ड्राई होता ही है बट साथ में ड्राई स्किन एंड ड्राई बॉडी बहुत ज़्यादा हो जाता है. सो फॉर दैट मेरे लिए क्या है ना कि बॉडी लोशन बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करता बिकॉज एक तो आई लिव इन अहमदाबाद तो यहाँ पे ना ज़्यादा वो होता है, यू नो, ज़्यादा ड्राई होता है स्किन. सो इसीलिए आई यूज़ बॉडी बटर. सो उसके लिए मैंने मंगवाया है दिस डेलविक्स का बॉडी बटर. एंड ये इसका पैकेजिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लाइक रॉयल काइंड ऑफ लगता है. मीन्स और हाँ, अभी ना अमेजोन पे सेल चल रहा है, लाइक इट विल स्टार्ट फ्रॉम 17. सो आप लोग चेकआउट जरूर करना. मीन्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग ऑफर चल रहे हैं उस पर. मीन्स दिस कॉस्ट रुपीज़ 2000 रुपीज़. लाइक मैंने इसके पहले भी मंगवाया था, सो मैंने 2000 में लिया था, नॉट 2000 एग्जैक्टली, मीन्स 1800 समथिंग में. और अभी मुझे मिला ये 900 में. सो 50% स्ट्रेट ऑफ में मिला मुझे. तो आप लोग चेकआउट जरूर कर लेना. और Let me show you the texture. Just look at this. It is actually like butter. बहुत mild smell है. And it is very creamy, like very buttery. So if you are having dry skin ना, so this is definitely must have. So next चीज जो है मेरे पास वो एक you know winter essential तो नहीं है, but you know मैंने मंगवाया तो मैंने सोचा चलो दिखा देते हैं आपको. So it is Masaba by Nykaa lipstick, and this one is in the shade Make It Happen. ये क्रीमी लिपस्टिक है, लाइक क्रीमी मैट काइंड ऑफ. सो ये ड्राइंग नहीं है बहुत ज़्यादा. सो मुझे शेड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. इसे मैंने मंगवाया था, मैं सोचा चलो दिखा देते हैं क्या होगा ना, इस विंटर नहीं है तो क्या वो दिखा तो सकते ही आप लोगों को. तो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है वो है VLCC का आलमंड एंड हनी बॉडी बटर. लाइक मैंने पहले ही बोला आई लव बॉडी बटर, तो फिर एक मैंने VLCC वाला मैंने ट्राई नहीं किया है वैसे तो, बट लेट सी कि कैसा लगता है. ये वाला मेरा खत्म हो जाएगा उसको आई विल स्टार्ट यूजिंग दिस. वैसे VLCC के प्रोडक्ट्स ना मुझे इन जनरल पसंद आते हैं. सो मैंने लगा, मुझे ऐसा लगा कि चलो भाई बॉडी बटर भी डेफिनेटली अच्छा होगा. और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास वो है VLCC का सनस्क्रीन लोशन. मीन्स आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि विंटर में सनस्क्रीन लोशन की क्या जरूरत, बट विंटर में सनस्क्रीन लोशन की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है बिकॉज यू नो योर स्किन इज गेटिंग हार्म्ड. आई नो कि विजिबल नहीं होता है बिकॉज धूप अच्छा लगता है आपको, बट स्टिल वो इफेक्ट करता है स्किन को. एंड आपका सेंसिटिव स्किन है लाइक मी तो तब तो डेफिनेटली यू शुड वेयर, इनफैक्ट एवरीवन शुड वेयर सनस्क्रीन लोशन. सो मैंने ये दो सनस्क्रीन लिया है, वन इज SPF 60 एंड वन इज SPF 40+. सो आपको जो सूट करे वो मंगवा सकते हो. मुझे ये सनस्क्रीन काफ़ी पसंद है. मीन्स बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट भी नहीं है इसका, आई वुड नॉट से दैट बिल्कुल भी नहीं है, हाँ बट बहुत ज़्यादा नहीं है. ओके, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं दिखाने वाली हूँ ना, एंड अगर मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी तो आई नो दैट मेनी पीपल आर गोइंग टू हेट मी फॉर दिस बिकॉज ये बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बट आई जस्ट डोंट लाइक इट. एंड इट इज सिटाफिल का मॉइस्चराइजर.
लाइक मैंने इसके बारे में इतना देखा है ना, लाइक बहुत सारे रिव्यूज देखे हैं मैंने कि हम तो बचपन से ये यूज कर रहे हैं एंड ऑल एंड इट वर्क्स सो गुड फॉर देम. लाइक तो मैंने सोचा यार मंगवाना चाहिए, मीन्स मैंने कभी यूज नहीं किया था, बट आई गॉट दिस एंड आई एम नॉट सेइंग दैट खराब है, यू नो जस्ट इट इज नॉट फॉर मी बिकॉज इट इज सो सेंटेड एंड ओह माय गॉड I just can't wear this. बहुत ज़्यादा scented है and I personally don't like scented products. मुझे नहीं अच्छा लगता है, मुझे no, absolutely no to very mild smell वाला अच्छा लगता है, but ये बहुत ज़्यादा scented है. In fact इतना ज़्यादा है ना कि एक बार मैंने try करने के लिए इसे लगाया, then I had to wash my face because I just can't breathe. इतना ज़्यादा scented है, या फिर मेरे लिए ऐसा है, so I just don't like this and I know that many people are going to hate me for this, but जो है sir. I'm giving you my proper, you know, genuine review. So next जो चीज़ मैंने मंगवाया है, it is my go-to, it is Nivea का lip balm. मैं most probably ये वाला lip balm use करती हूँ. This one is pomegranate. और मुझे pomegranate वाला ही पसंद है. इसका like strawberry वाला भी आता है, मुझे वो पसंद नहीं है ज़्यादा. तो ये pomegranate वाला है. Okay. So जो next thing है मेरे पास, it is not very much winter product, but out of habit I use it a lot, which is rose water mist. मीन्स नॉट रोज वाटर मिस्ट टोनर एंड रोज वाटर काफ़ी अच्छा था मुझे जस्ट टू स्प्रे ऑन योर फेस, इसलिए मैंने मंगवाया है. आई नो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी ना उसके बाद आई विल स्टॉप यूजिंग दिस, वरना क्या नॉर्मली सुबह उठने के बाद आई जस्ट रिजल्ट ऑन माई फेस, बट अभी मुझे पता है सच में कि नेक्स्ट मंथ से वो नहीं करने वाली बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी अगर तो. ओके सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई एम हैविंग वन मोर थिंग फ्रॉम VLCC एंड इट इज VLCC डायमंड फेशियल किट. और हाँ मैंने इसका रिव्यू डाला है मेरे इंस्टाग्राम पे, अगर आप चाहे तो आप देख सकते हो. ये काफी मीन्स अच्छे से पैकेजिंग वैकेजिंग सब कुछ खोल के दिखाया, तो आप वहाँ पे देख लेना ज्यादा बेटर होगा इन डिटेल. ये इतना बड़ा किट है. It is having all these products step wise, like step one, step two, and इसमें भी rose water आता है and it is around 1500 rupees और अभी काफ़ी सेल में आपको काफ़ी cheap price में मिल जाएगा. So if you are trying to buy one, आप अभी ज़रूर try कर सकते हो. और हाँ guys, इन सभी product का link आपको description box में मिल जाएगा, तो ज़रूर check कर लेना. और जैसे कि मैंने बोला 17 से sale start हो रहा है Amazon पे, so ये सब कुछ आपको बहुत ज़्यादा discounted price में मिल जाएंगे. और आप अगर आप description box अच्छे से check करोगे तो आपको एक link मिलेगा जिस पे अगर आप click करते हो तो आपको इन सभी प्रोडक्ट का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा. लाइक एक लिंक से सभी प्रोडक्ट्स को आपको यू नो खुल जाएगा, आप ओपन करके चेक कर लेना. इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइस. बस इस वीडियो के लिए इतना ही. आई होप कि आपको ये मेरा मिनी हॉल अच्छा लगा हो. अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना. ऑल्सो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कुछ अपना एक्सपीरियंस. लाइक सबसे पहले डू यू लाइक दिस, अगर आपको पसंद है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना. और इफ यू आर लाइक मी, जिसे पसंद नहीं आया तो भी बता देना. मीन्स मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, लाइक मैंने एक भी रिव्यू नहीं देखा अभी तक जिसने ऐसा बोला हो कि उसे पसंद नहीं आ रहा, तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है सच में. तो इसलिए आप लोग कमेंट में जरूर बताना इफ यू आर ऑल्सो विथ मी. दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई रियली होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा. और मैं इस चैनल पे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग सा व्लॉग अपलोड करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है, लाइक इस वीक हो जाएगा वो. सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड, स्टे ट्वीटनिंग, स्टे ट्यून्ड, और सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके रखना, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो. अब मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लेना, यहाँ पे मेरी आईडी दिखाई दे रही होंगी. सो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते.